भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र आदर्श नगर कॉलोनी में घर में घुसकर अपने ही बेटा और पत्नी ने मिलकर पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार को जान मारने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार ने कहा कि मेरी पत्नी राधा देवी व बेटा आत्मवर्धन ने पीट पीट कर मुझे लहूलुहान कर दिया। सुभाष पोद्दार का कहना है कि मेरी पत्नी का मेरे भांजा के साथ अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर मेरी पत्नी व बेटे ने पीट पीट कर मुझे अधमरा कर दिया। वहीं घायल सुभाष पोद्दार को नजदीकी रेफरल अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया गया, जिसके बाद सुभाष पोद्दार की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। मामला हमको रात में अचानक फोन आया कि से भैया के साथ में मारपीट हुआ है, उसका पत्नी और उसका बेटा मारपीट किया है और उसका वीडियो आया। वीडियो देखे हमारा दिमाग काम नहीं करने लगा। अब भाई एकदम दौड़बे नहीं करेंगे, हम यहाँ आए इसको देखने के लिए। क्या चाहते क्या चाह रहे हैं इसे? हम उचित कार्रवाई हो, जो आपके सामने साक्ष है, साक्ष तो आपके सामने। कौन मारा है इसको? उसमें साफ दिख रहा सीसीटीवी कैमरा, बेटा उसका मारा। मामला सुन सर, जो इन्होंने बताया वही सत्य है। इनकी इनका जो बच्चा है आत्मवर्धन, वो और इनकी पत्नी बार बार इनको बोल रहा था कि साले तुम घर छोड़ करके निकल, नहीं तो तुम्हारा जो है लाश यहाँ पे जाएगा। ये करते क्या है ये? मना ये सब दिन जो सर पार्षद रहे हैं और अभी फिलहाल जो ज्वेलरी का कारीगर थे, पार्षद थे पहले, पहले पूर्व पार्षद भी थे, 10 साल जो है पूर्व पार्षद भी रहे हैं और ज्वेलरी का जो है मना। ये जो मारपीट हुआ है इसके पीछे कारण कारण क्या हो सकता है? कारण बस वही है सर जो इन्होंने बोला कि यानी कि मना इनका जो है इनके पत्नी का संबंध जो है नाजायज संबंध रामा शंकर पोद्दार के साथ है। रामा शंकर पोद्दार कौन है? रामा शंकर पोद्दार इनके भैगना है, इसीलिए मारपीट हुई है। इसीलिए आइए मना इसी सबका विरोध के चलते जो है मना इनके साथ जो मारपीट हुई। इस बार जो झगड़ा हुआ, बार बार वो बोलता था, धमकी देती थी कि मार देंगे तुमको, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। और यही हाल किया हुआ उस औरत का दूसरे से संबंध है, इसकी पत्नी का। इसके कितने दिन से संबंध होगा? करीब 4-5 वर्ष। तो आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध करते थे और मिला भी देते कि जो हुआ सो हुआ, अब सब तुम लोग मिल जाओ और एकता बना करके रहो, लेकिन नहीं मानी। क्या संबंध जो है? पत्नी का नाम बताइए। श्रीमती राधा देवी जी। रमा शंकर पोद्दार हमारे भांजा, बड़े भांजा के साथ में था जी। इसके पहले हमारे साढ़ू के साथ में था जी। उसका विरोध करने के कारण जो है आपको हमारे साथ मारपीट किया। कौन मारपीट किया है? बेटा आत्मवर्धन और मेरी पत्नी राधा देवी। कितना बाल बच्चा है आपको? हमको 3 है, एक प्रोफेसर भी है। तो बेटा और पत्नी मारा है आपको? इसकी शिकायत आपने थाने में की है? थाना में शिकायत हम अभी तक नहीं किए हैं। आवेदन दिए? आवेदन अभी नहीं पड़ा है, क्योंकि मारपीट के बाद हमको रेफरल भेजा गया, रेफरल से मायागंज भेज दिया गया। भागलपुर जिले में अब ऑनलाइन चालान की सुविधा कर दी गई है। लगभग सभी चेक पोस्ट पर डिजिटल मशीन से चालान काटा जा रहा है। ऐसे में पुलिस के अतरंगी कारनामे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के नौगछिया के कदवा चेक पोस्ट का देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार युवक का हेलमेट के लिए 1,00,000 रुपये का चालान काट दिया गया। जब इसको लेकर पीड़ित युवक रजाबुल से बात की गई तो उसने बताया कि मेरा घर मधेपुरा जिला के चौसा में पड़ता है, वहां से आवश्यक कार से नौगछिया जा रहा था, तभी कदवा चेक पोस्ट के समीप वाहन की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने का चालान काट दिया, जिसका उचित जुर्माना 1,000 रुपये बनता है, लेकिन मेरा 1,00,000 का चालान कर दिया गया। अब इसको लेकर कभी भागलपुर DTO ऑफिस तो कभी चेक पोस्ट का चक्कर लगा रहा हूं। कदवा थानेदार रणधीर कुमार ने बताया कि इसको जल्द ही सुधार करवा लिया जाएगा। कदवा थानेदार रणधीर कुमार सिंह ने SSP को चिट्ठी के माध्यम से जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसी गलती होने की बात कही है। उन्होंने कहा अब यह सुधार कंट्रोल रूम से ही हो सकता है, जल्द जल्द इसका सुधार कराया जाएगा। जब इसको लेकर ट्रैफिक के एक अधिकारी से बात की गई तो पता चला कि मशीन में पहले से ही जुर्माना रहता है, उसमें पहले 1,00,000 का ही कॉलम अगर गलती से उस पर दबा गया तो वह चालान उतना का ही चला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर ऐसी गलती हो जाती है तो प्रशासन सुधार करेगी, अगर वो सुधार नहीं करती तो काटने वाले की जेब से जुर्माना भरना होगा। DTO जनार्दन कुमार से जब इस मैटर पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें गलती होगी तो हम सुधार करेंगे, ये ट्रैफिक पुलिस की गलती है तो वहीं सुधार होगा, हम इस पर कोई बयान नहीं देंगे। सर हम जा रहे थे इमरजेंसी में नौगछिया, उसके बाद हेलमेट नहीं था, ये चालान के लिए पेपर मंगाए, पेपर घर पे भूल गए थे, पेपर जो है
मंगाए तो एक पेज देख लिया, उसके बाद फिर भी बोला कि चालान काट दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा पेज देखा ही नहीं मैडम, वो चालान कर दिया 1 लाख का। 1 लाख का जी, 1 लाख का चालान कर दिया। ये हेलमेट नहीं था, हेलमेट पेपर घर पे भूल गया था, इंश्योरेंस नहीं था गाड़ी का साथ में, ठीक है, लाइसेंस नहीं था ड्राइवर। 1 लाख रुपये चालान कर दिया जी, 1 लाख का चालान कर दिया। कहाँ घर हुआ आपका? चंदा। क्या कहाँ रहते आप? नोगछिया जा रहे थे सर, इमरजेंसी में। अभी क्या हुआ है? अभी जब मधेपुरा गए थे बोले थे कि DTO ऑफिस से बात करने के लिए, मधेपुरा में फिर बोला कि वहाँ जाओ कैंप पे जहाँ चालान हुआ है काटा है, वहाँ से चालान एक तो ये बना के देगा आवेदन, वो भागलपुर DTO ऑफिस में देना है। तो वहाँ पे जब गए तो एक फॉर्म दिया निकाल के, बोला फिर कि जाओ कैंप पे जहाँ पे चालान कटा है, वहाँ पे वो खुद ही फॉर्म भर के वो SP साहब के पास जमा करेगा, उसके बाद उसका जहाँ लॉगिन ID होगा वहाँ पे जमा करेगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गौशाला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अभिजीत गुप्ता के आवास पर भागलपुर नगर निगम के पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का नेतृत्व अभिजीत गुप्ता के द्वारा किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मदद करना है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान नगर विधायक अजीत शर्मा है, वहीं NDA के प्रत्याशी वर्तमान सांसद अजय मंडल है। अभिजीत गुप्ता ने कहा, यहां पर न ही अजय मंडल द्वारा विकास किया गया है और न ही विधायक अजीत शर्मा द्वारा, इसलिए हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नोटा ही है। आगे उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय नहीं हो पाया किस पार्टी को मदद करना है, इसका भी निर्णय जल्द ही हम लोगों द्वारा ले लिया जाएगा। वहीं मंच संचालन नगर निगम के पार्षद संजय सिंह कर रहे थे। संजय सिंह ने कहा कि आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोगों के पास अभी तक किसी भी पार्टी के उम्मीदवार मिलने नहीं आए हैं, आखिर क्यों हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, इसके बाद भी अब तक कोई उम्मीदवार मिलने नहीं आता, इसलिए हम लोगों के पास एकमात्र विकल्प नोटा है। आगे उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों के पास किसी भी पार्टी का कोई लोकसभा उम्मीदवार मिलने नहीं आता तो हम लोग उम्मीदवार का बहिष्कार करते हुए नोटा का ही बटन दबाएंगे और हम लोग उम्मीदवार का विरोध करेंगे। आज की बैठक में पार्षद गौतम बनर्जी, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शाह, उमर चांद सहित कई लोग मौजूद थे। आज का बैठक था कि लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताकर भेजें जो भागलपुर की आवाज़ लोकसभा में जाके गूंजे और हम लोगों की समस्या का निष्पादन हो और हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में बनाकर भेजें, यही उद्देश्य था आज के बैठक का। क्या निर्णय हुआ सर बैठक में? निर्णय ये हुआ कि पहले हम लोग सारे पार्षदों के बीच अभी तक
जो जो जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा का उम्मीदवार हुआ है वो आज तक हम लोगों के पास वार्ड पार्षदों से संपर्क स्थापित नहीं किया है। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि हम लोग भी एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं और दिन भर भागलपुर शहर में अपने वार्ड के विकास की चिंता करते रहते हैं और लड़ाई लड़ते हैं नगर निगम में, लेकिन लोकसभा से कौन उम्मीदवार बन के जाएगा यह चिंता की विषय है। हम लोग चिंतित हैं कि उम्मीदवार आज तक हम लोगों से संपर्क स्थापित नहीं किया, और जो भी संपर्क स्थापित करने का काम करता है वह जनप्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं, भाया मीडिया से। जबकि हम लोग चाहते हैं कि वैसा प्रतिनिधि के बीच सारे पार्षद बैठे, अपनी बात को रखे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे हम लोगों का तो हम लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है नोटा। वह नोटा में हम लोग वोट करने के लिए आह्वान करेंगे अपने अपने वार्ड के जनता को, जबकि हम लोग चाहते हैं कि सत्ता पक्ष का ही हमारा सांसद हो, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद अभी तक हम लोगों से नहीं मिला है, यह दुर्भाग्य। भागलपुर के विभिन्न घाटों पर 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व 12 अप्रैल से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। 13 अप्रैल को खरना, 14 को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ व 15 अप्रैल को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और पारण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। पंडित प्रहलाद झा ने बताया कि छठ महापर्व में नहाए खाए व खरना के व्रत का विशेष महत्व है। शुक्रवार को नहाए खाए का अनुष्ठान है। पंडित सोनू झा ने बताया कि सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व है। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। भागलपुर के विभिन्न घाटों पर चैती छठ के उपलक्ष्य पर भारी भीड़ देखी गई। बचाव कार्य हेतु विभिन्न छठ घाटों पर गोताखोर एवं आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई थी। कर रहे हम तो 10 साल से कर रहे हैं दीनानाथ का पर्व। हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं? यही सब बाल बच्चा अच्छा रहे, काया समांग अच्छा रहे, मांग अच्छी थी, माँ जो है फिर हमको दे दी तो हम अपना सुख कर रहे हैं बाल बच्चे के लिए। मेरी बेटी को 7 महीनों में लड़का हो गया, शीशों में दिया, यही कष्ट से मांगे थे तो उसी कर अपना तेरे से कर रहे हैं। क्या था आज? कद्दू भात। क्या दिन का पर्व होता है ये? होता है 4 दिन का, लेकिन 3 दिन तो एकदम रहना पड़ता है खरा कमाना।